नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के साथ में। बतौर इंडियन फैन, बतौर क्रिकेट फैन, बहुत ही जो है मतलब कि भारत की जो हार है इसको भाई पचा पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जिस तरीके से हमने उम्मीद लगाई थी कि टीम इंडिया जीतेगी या फिर जो है मैच को ड्रॉ होगा, ऐसा जो है नहीं हुआ। न्यूजीलैंड जो है हर बार टीम इंडिया के सामने आई जाती है आईसीसी के ट्रॉफी में। खैर, नंबर वन टेस्ट टीम न्यूजीलैंड ने जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जीता है और जो अपना दबदबा है वो टेस्ट क्रिकेट पर बना लिया। साथ ही में जो है न्यूजीलैंड जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीती है, जीतने के साथ ही जो है भाई न्यूजीलैंड की जो टीम है इनको टोटल 11.71 करोड़ रुपीस मिला है आईसीसी की तरफ से फाइनल जीतने को लेके। सेकंड नंबर पे जो आई है भारत, इंडिया को जो है टोटल मिला है 5.91 करोड़ रुपीस, मतलब कि सेकंड पोजीशन पे आने को लेके। जैसे ही जो है भाई न्यूजीलैंड चैंपियन बन गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के बाद, तो वैसे ही जो है आईसीसी की तरफ से मिलता है आईसीसी का मेस, यानी कि जो है आईसीसी का जो है ट्रॉफी होता है लंबा सा, वो भी जो है न्यूजीलैंड के पास में चला ही गया। लेकिन दोस्तों एक बात जो है मानने वाली पड़ेगी कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड की गेंदबाजी हुई फाइनल में, वो जो है कहीं ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन बॉलर्स। तो ये जो है कहीं ना कहीं मैं फ़र्क डाल दिया न्यूजीलैंड के जो है, इनके जो है फ़ायदे में ये हुआ कि जो मतलब कि उनके भाई कंडीशन थी वो जो है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के फेवर में, क्योंकि उनको जो है हैबिट है ऐसे स्विंगिंग कंडीशन में गेंदबाजी करने की, स्विंग कंडीशन में बैटिंग करने की, तो ये जो है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के फेवर में गया है ये कंडीशन। अब दोस्तों खैर छोड़िए, अभी जो है आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, उम्मीद करते हैं T20 वर्ल्ड कप भाई इंडिया जीते और इस नुकसान की भरपाई कर दे। वहीं अब जो है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग की। तो भाई जडेजा जो है बन चुके हैं फिलहाल आईसीसी के नए नंबर वन टेस्ट के ऑलराउंडर, भाई ये जो है बहुत ही अच्छी बात है। वहीं जो है बात करते हैं बल्लेबाजों की, तो जो बल्लेबाज है वो सेम है, नंबर वन पे फिलहाल स्टीवन स्मिथ मौजूद है। लेकिन इसमें जो है बड़ा मतलब कि जो है सरप्राइजिंग ये था कि जो नंबर 10 पे फिलहाल बाबर आजम मौजूद थे टेस्ट की रैंकिंग में, अभी जो है बाबर आजम टॉप 10 से बाहर चल चुके हैं और नंबर 10 पे जो है अफ्रीका के बैट्समैन क्विंटन डीकॉक आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 10 के पोजीशन पे आ चुके हैं। अब दोस्तों बाद में जो है भाई विराट कोहली ने इंटरव्यू में ये बोला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद जो है टीम इंडिया को इंग्लैंड में मतलब कि रहना है, इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच की लंबी सीरीज खेलनी है। ये जो मतलब कि सीरीज़ है ये भी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है नेक्स्ट, मतलब कि जो है सीज़न 2 उसका ही जो है पार्ट है। और मतलब कि कोहली ने ये भी बोला कि हमको जो है इंग्लैंड के सीरीज़ से पहले एक जो है मतलब कि फर्स्ट क्लास मैचेस की सीरीज़ खेलनी थी प्रैक्टिस के तौर पे, लेकिन उनको जो है भाई इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने की परमिशन नहीं मिली है, तो ये जो है कहीं ना कहीं बुरी बात है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लैंड और श्रीलंका के T20 की। भाई जो फर्स्ट मैच था T20 का उसको जो है इंग्लैंड ने बड़े आराम से जीत लिया, लेकिन इसकी जो है लाइव स्ट्रीमिंग TV पे नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो है आज सेकेंड T20 मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, बैक टू बैक मैच है, आज सेकेंड T20 है, आप लोग उसको जो है लाइव देख सकते हो बड़े आराम के साथ में सोनी के नेटवर्क पे, यानी कि जो है मोस्टली सोनी 6 पे जो है आप सभी लोग सेकेंड मैच को बड़े आराम से लाइव देख सकते हो इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश टूर ऑफ जिम्बाब्वे, जहाँ पे जो है अगले महीने जो टीम है बांग्लादेश ये जाने वाली है जिम्बाब्वे में, खेलेगी टेस्ट, वनडे और T20 की लंबी खासी सीरीज, जिसके लिए जो है उनके बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, तो आप लोग स्क्वाड देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट का स्क्वाड आप लोग देख सकते हो, कैप्टन जो रहने वाले हैं वो है मोनिमुल हक। बात करते हैं वनडे की, तो वनडे का स्क्वाड देख सकते हो, कैप्टन ये रहने वाले हैं तमीम इकबाल। लास्ट में बात करते हैं भाई T20 के स्क्वाड की, तो इसमें जो है कैप्टन वो रहने वाले हैं मोहम्मदुल्ला रियाद, यानी कि जो है भाई बांग्लादेश के लिए तीनों फॉर्मेट में तीनों अलग अलग कप्तान है। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिकेट का जो नया फॉर्मेट आने वाला है 100 बॉल टूर्नामेंट। 21 जुलाई को जो है 100 बॉल टूर्नामेंट चालू होने वाला है इंग्लैंड के देश में, जिसको लेकर जो है अपडेट आ रही है। क्विंटन डीकॉक और डिवॉन कॉनवे दोनों जो है भाई धाकड़ विस्फोटक प्लेयर, डीकॉक और कॉनवे ये दोनों प्लेयर जो है 100 बॉल टूर्नामेंट हम सभी को जो है खेलते हुए दिखेंगे, उस टीम का नाम है सदन ब्रेव। तो भाई हुआ क्या कि जो सदन ब्रेव के दो प्लेयर थे
डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस दोनों जो है ऑजीज ने लास्ट टाइम पे अपने नाम को वापस ले लिया और इसी के जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे सदर्न ब्रेव की टीम ने क्विंटन डी कॉक और डिवॉन कॉनवे इनको जो है साइन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे एट द एंड जो है बात करते हैं PSL 2021 के फाइनल की, उनके प्राइस मनी की। तो जो आज जो है PSL का फाइनल है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जालमी। तो बात करते हैं अब इनके प्राइस मनी की, जो भी टीम जो है PSL की चैंपियन बनेगी उसको जो है 7.5 करोड़ रुपीस मिलेंगे, जो भी टीम जो है सेकंड नंबर पे आएगी उसको जो है 3 करोड़ रुपीस मिलने वाले। तो ये जो है भाई PSL का प्राइस मनी था। भाई ये थी हमारी आज की न्यूज़ वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को दे दी। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर डिस्क्रिप्शन से ना हो तो आप लोग सिंपली आपके जो टेलीग्राम के ऐप पे आपको जाना है वहाँ ऊपर आपको जो है सर्च कर लेना है IPL एंड क्रिकेट विद पवन, इसको सर्च कीजिए और ज़रूर से ज्वाइन करके रख लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।